थायराइड एक बहुत ही आम बीमारी है। औरतों में ये बीमारी कुछ ज्यादा ही पाई जाती है। ये बीमारी हार्मोन से संबंधित है। थायराइड ग्लैंड शरीर से आयोडीन की मदद से हार्मोन बनाता है। इसे ऊर्जा ग्रंथि भी कह सकते हैं। महिलाओं में ऑटोइम्यून की समस्या ज्यादा होती है, इसलिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थायराइड विकार 10 गुना ज्यादा होता है। महिलाएं हार्मोन के उतार चढ़ाव से पूरी जिंदगी जूझती हैं। इसे कभी उनका मूड स्विंग और कभी चिड़चिड़ापन कह दिया जाता है। बस यहीं से शुरुआत होती है तरह तरह की बीमारियों की। इन्हीं में से एक बीमारी है थायराइड। नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ मंगल होंगे। दोस्तों, एक बात पूछूं आपसे, क्या एक दो महीने से आप थकान से महसूस कर रहे हैं? ज्यादा कामकाज नहीं करते, खान पान पर भी ध्यान देते हैं, इसके बावजूद क्या आपका वजन लगातार बढ़ रहा है? अगर ऐसा है तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। जी हाँ, ये बात महिलाएं, पुरुषों, ग्रामीण और शहरी सभी लोगों पर लागू होती है। हो सकता है कि आप धीरे धीरे थायराइड के शिकार हो रहे हों। जी हाँ दोस्तों, थायराइड है ही ऐसी बीमारी जो चुपके से आकर आपको बीमार बना देती है। हाँ, ज़्यादा मत सोचिए कि आखिर ये थायराइड है क्या। आइए सबसे पहले आपको यही बताते हैं। बात शहर की हो या गांव की, दोनों ही जगह आजकल ज्यादातर महिलाएं थायराइड की समस्या से परेशान हैं। लेकिन जानकारी के अभाव के कारण आमतौर पर लोग इसके लक्षणों को पहचान नहीं पाते। बता दें कि हमारे शरीर के हार्मोन में असंतुलन होने पर शरीर के पूरे सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है, जिससे न केवल कई स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं, बल्कि सबसे ज्यादा प्रभावित होता है तो वो है थायराइड ग्रंथि। देखिए इसे, गर्दन में नीचे की ओर तितली के आकार की ये छोटी सी ग्रंथि, यही है थायराइड। थायराइड शरीर में पाए जाने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड में से एक है। गौरतलब है कि थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन बनाती है, जिससे शरीर की ऊर्जा और प्रोटीन आदि नियंत्रित रहते हैं। यदि इसमें किसी प्रकार की समस्या हो जाए तो शरीर के हार्मोन का उत्पादन प्रभावित होने लगता है और थायराइड की समस्या हो जाती है। थायराइड ग्लैंड है वो हमारे गर्दन में होता है, बिल्कुल सामने की तरफ होता है, और इसमें इसका काम है एक हार्मोन बनाना। और इस हार्मोन से, जैसे मैं बता रहा हूँ, कि पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ता है। तो दो किस्म की मोटी मोटी गड़बड़ हो सकती है, या तो हार्मोन की मात्रा बढ़ सकती है या हार्मोन की मात्रा कम हो सकती है। हार्मोन की मात्रा बढ़ने के कारण क्या होता है कि शरीर में गर्मी या ऊर्जा पैदा होती है, भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, वज़न कम हो जाता है, एक नर्वसनेस सी आ जाती है, हाथ पैर में कंपन आ सकती है, पेट खराब होने लग सकता है और वज़न काफ़ी कम हो सकता है। हार्मोन असंतुलन केवल महिलाओं को प्रभावित नहीं करता, बल्कि पुरुषों को भी प्रभावित करता है। लेकिन थायराइड महिला में पुरुष के अनुपात में 10 गुना अधिक होता है। थायराइड को साइलेंट किलर माना जाता है, क्योंकि इसके लक्षण आसानी से दिखाई नहीं पड़ते हैं और जब तक हमें पता चलता है समस्या गंभीर हो जाती है। गौरतलब है कि थायराइड मधुमेह व हृदय रोग के बाद बड़ी संख्या में होने वाले रोगों में से एक है। इस बीमारी के लक्षणों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता। यही कारण है कि बढ़ती उम्र के साथ थायराइड के बढ़ने का खतरा और भी ज्यादा हो जाता है। गौरतलब है कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने के लिए थायराइड हार्मोन बनाता है, जो शरीर की कोशिकाओं को ये बताता है कि हमें कितनी ऊर्जा का उपयोग करना है, यानी जो भोजन हम खाते हैं उसे ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके अलावा यह हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों व कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। हार्मोन असंतुलन के कारण पूरे शरीर में असर पड़ सकता है। हार्मोन ऊपर से नीचे अगर आप देखें तो मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहाँ से बनता है, थायराइड ग्लैंड से बनता है, फिर पेट में जहाँ इंसुलिन बनती है जिससे शुगर कंट्रोल होती है वहाँ बनता है, फिर गुर्दे के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं वहाँ से बनता है, और महिलाओं और मर्दों में फिर ओवरी और टेस्टिस से बनता है। इन सब से
पूरे शरीर में असर पड़ता है, जो हमारी मेटाबॉलिज्म है जिसे चयापचय कहते हैं उस पर इसका कंट्रोल होता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल असंतुलन की वजह से पूरे शरीर में दुष्प्रभाव पहुंच सकते हैं। बता दें कि थायराइड ग्लैंड में कमी या अधिकता का सीधा असर व्यक्ति की भूख, वजन, नींद और मनोदशा पर दिखाई देता है। हार्मोन की गड़बड़ी से महिलाओं का मूड अक्सर खराब रहता है और वे चिड़चिड़ी हो जाती है। ये असंतुलन स्वास्थ्य संबंधी सामान्य परेशानियाँ जैसे मुहासे, चेहरे और शरीर पर अधिक बालों का उगना, समय से पहले उम्र बढ़ने के लक्षण नजर आना से लेकर मासिक धर्म संबंधी गड़बड़ियां जैसी गंभीर समस्याओं का भी कारण बन सकता है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। क्या कभी आपने अपनी प्रेगनेंसी के समय में ये जानने की कोशिश की है कि आपका थायराइड कितना होना चाहिए? अगर आप अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने की तैयारी कर रही हैं, तो सबसे पहले खुद की जांच करें और पता करें कि कहीं आपको थायराइड की समस्या तो नहीं। कई महिलाएं ये जानते हुए कि इन्हें थायराइड की समस्या है अपने बच्चे को जन्म देती हैं। दोस्तों, महिलाएं थोड़ी होती हैं लापरवाह। घर की जिम्मेदारी, ऊपर से खेत खलिहानों में भी काम का बोझ, कभी समय पर दवा लेना भूल जाना, तो कभी सेहत के प्रति लापरवाही। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। थायराइड को साइलेंट किलर माना जाता है, क्योंकि इसके लक्षण आसानी से दिखाई नहीं पड़ते और जब तक हमें पता चलता है समस्या गंभीर हो जाती है। महिलाओं की बात करें तो इसके लक्षण आसानी से पहचान में आ जाते हैं, लेकिन पुरुषों में ये उतनी जल्दी समझ में नहीं आता, इसलिए पुरुषों में ये एक गंभीर बीमारी बनती जा रही है। थायराइड मधुमेह व हृदय रोग के बाद बड़ी संख्या में होने वाले रोगों में से एक है। इस बीमारी के लक्षणों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता, क्योंकि ये लक्षण आयु बढ़ने के साथ व रजोनिवृत्ति के समय ही पाए जाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ इसके बढ़ने का खतरा भी ज्यादा होता है। पुराने दिनों में यह देखा गया था कि, क्योंकि जैसा बताया कि थायराइड बनने के लिए आयोडीन होना जरूरी है, अगर खून में आयोडीन की मात्रा कम है तो उसकी वजह से थायराइड हार्मोन की बीमारी हो सकती है। लेकिन अब भारत सरकार द्वारा चलाए गए प्रोग्राम जिसमें सारे नमक में आयोडीन मिला दी गई है, उससे आयोडीन की कमी पूरे देश में दूर हो गई है। तो आयोडीन की कमी अब एक मुख्य कारण नहीं रहा है थायराइड की बीमारी होने के लिए। थायराइड की बीमारी अब जो आजकल देखी जाती है उसका मुख्य कारण है कि ऑटो इम्यून थायराइड बीमारी होती है, जिसमें कि थायराइड ग्लैंड के विरुद्ध में शरीर में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं, वो थायराइड ग्लैंड को नुकसान पहुंचाती है, डैमेज करती है और हार्मोन बनने से रोक लेती है। तो ऑटो इम्यून जो थायराइड डिजीज है वो अभी सबसे मुख्य कारण है हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म होने के लिए। थायराइड की प्रॉब्लम में आयोडीन की भूमिका सबसे ज्यादा जरूरी है। ये थायराइड के सही फंक्शन के लिए भी जरूरी होता है। ऑटो इम्यून कारणों से उत्पन्न होने वाली थायराइड की समस्या को छोड़कर बाकी सभी रोगियों में आयोडीन की कमी इसकी मुख्य वजह है। थायराइड ग्रंथि एक ऊर्जा ग्रंथि है, ये जीवन की गति को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन उत्पन्न करती है। इसकी मुख्य बीमारियां हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म धीरे धीरे फैलने वाली बीमारियां हैं। ज्यादातर मामलों में हाइपोथायरॉयडिज्म शुरू में थायराइड की समस्या के रूप में पैदा नहीं होती, बल्कि इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी से इसकी शुरुआत होती है।
हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी स्थिति है जो लगभग महिलाओं को बच्चे के जन्म देने के बाद एक वर्ष के भीतर प्रभावित करती है। कभी कभी हाइपोथायराइडिज्म आनुवांशिक भी होता है और कभी कभी ये गुणसूत्र पर अप्रभावी लक्षण के रूप में भी पाया जाता है। प्रेगनेंसी हो जाती है और थायराइड को उसका इलाज ना किया जाए तो उससे एक और प्रॉब्लम हो जाती है, कई बारी प्रेगनेंसी में गड़बड़ी हो जाती है, प्रेगनेंसी पूरी तरह चल नहीं पाती है, पहली तिमाही में गर्भपात होने की संभावना हो जाती है, बाद में जाके प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बच्चे के विकास पर भी असर पड़ सकता है। तो और लेकिन बच्चे के विकास में हमें एक चीज़ समझना आवश्यक है कि अगर बच्चे में पैदाइशी रूप से थायराइड की कमी होती है तो वो अगर पकड़ी ना जाए तो उसका इररिवर्सिबल ब्रेन डैमेज होने की संभावना है। और इसी कारणवश ये माना जाता है कि हर नवजात शिशु का ब्लड टेस्ट होना चाहिए, उसमें थायराइड की जांच करनी चाहिए। एक परिवार में स्वस्थ बच्चे के जन्म लेने के लिए माँ का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और माँ की जो है मृत्यु ना हो, माँ को बीमारी ना लगे, इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना नियमित रूप से चेकअप करवाएं, कोई बीमारी हो उसकी जाँच करवाएँ, उसको ठीक करवाएं, उसका इलाज हो और बच्चे की ग्रोथ या बच्चे का ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं ये देखें। गौरतलब है कि हार्मोन्स के कम होने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है और शरीर की ऊर्जा बहुत जल्दी खर्च होने लगती है और खाना खाने के आपकी एनर्जी का उचित तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता, परिणाम स्वरूप बॉडी में फैट का जमाव और वजन बढ़ना शुरू हो जाता है जिसके कारण लगातार थकान और नींद आने लगती है और आप बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगती हैं। ओवर एक्टिव होता है ग्लैंड, यदि जिसे हम हाइपरथायरॉइडिज्म कहते हैं, तो उसमें मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, हृदय की गति बढ़ जाती है, शरीर में कंपन आ जाती है, भूख ज़्यादा लग जाती है, उसके बावजूद वजन कम हो सकता है। और हाइपोथायरॉइडिज्म में अगर अडल्ट्स में होता है तो भूख कम लगना, आपको कब्जियत रहना, उसके बावजूद वजन बढ़ जाना, त्वचा में खुरदुरापन आ जाना, बाल झड़ जाना, और महिलाओं में कई बारी पीरियड्स की गड़बड़ी आ जाती है, मर्दों में भी इसमें अलग अलग जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है वो भी उस पर असर आ सकता है। हाइपरथायराइड से पीड़ित लोगों में मांसपेशी और जोड़ों में दर्द हो सकता है, खासकर बांह और पैर में। इसके अलावा बांह के ऊपरी हिस्से में दर्द भी हो सकता है। पीरियड्स में अनियमितताएं शुरू हो जाती है, कई महिलाओं में दो पीरियड्स के इंटरवल में भी अनियमितता शुरू हो जाती है, जैसे 28 दिन का साइकिल 40 दिन का बन सकता है। ये पहले की तुलना में लाइटर या हैवियर रूप में हो सकता है। इस रोग से डिप्रेशन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। गर्भवती महिला के रिश्तेदारों की ये देखने के लिए कि वो समय से खाना ले रही हैं कि नहीं ले रही, पर्याप्त मात्रा में खाना ले रही हैं कि नहीं ले रही, पर्याप्त मात्रा में आराम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, और साथ में कोई भी दवाई, अगर आप किसी बीमारी के लिए दवाई ले रही हैं तो डॉक्टर की सलाह लें कि आप ये दवाई ले रही हैं, क्या ये दवाई सेफ़ है। जैसे कि मान लो कुछ महिलाओं को मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो अगर मिर्गी की दवाई वो ले रही हैं तो उसको लेते रहना है, बंद नहीं करना है। ऐसे ही कई महिलाओं को थायराइड की बीमारी होती है, तो वो जब प्रेगनेंसी होती है तो थायराइड की गोली बंद कर देती हैं, तो ऐसे में ऐसा नहीं करना है। जो दवाइयाँ हमने डॉक्टर ने बनाई हैं, अगर कोई दवाई डॉक्टर ले रही हैं पहले से, तो डॉक्टर से सलाह लें कि हम बंद करें या कंटिन्यू रखें और उसी के हिसाब से लेना है। दोस्तों, आप मोटापा, तनाव, अवसाद, बांझपन, कोलेस्ट्रॉल, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी परेशानियाँ झेलते हैं, लेकिन एक बार थायराइड की जाँच नहीं कराते, जांच करवाते भी हैं तो रेगुलर दवा नहीं लेते, बस यही सोचते हैं कि दवाओं को जीवन शैली का हिस्सा क्यों बनाया जाए। लेकिन ऐसा सोचने वाले ये नहीं जानते कि आप अपनी जिंदगी के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। थायराइड की समस्या से ग्रस्त मरीजों के जीवन में दवा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके लिए रोगी को उम्र भर सुबह सुबह खाली पेट गोली लेनी होती है। थायराइड की दवा के साथ खिलवाड़ करने वालों को रक्तचाप संबंधी समस्या होने लगती है। रक्तचाप कभी कम तो कभी ज्यादा हो सकता है, उन्हें हमेशा बुखार और थकान भी महसूस होती है। बता दे कि थकान एक ऐसी चीज है जो मरीज को अंदर तक निचोड़ कर रख सकती है।
अगर थायराइड के मरीज है और जो मरीज है जिनको थायराइड की गोली की जरूरत है और वो दवाई नहीं लेते हैं, जैसा मैंने बताया कि शरीर के सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में दिमाग भी स्लो हो जाता है, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, हम जो भी काम करना शुरू करते हैं उसको जल्दी से पूरा नहीं कर पाते हैं, उसको करने में टाइम लगता है, जैसे कुछ लोग नोट गिन रहे हैं तो बीच में ही भूल जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, अगर वो कोई क्लास अटेंड करें तो उनके समझ में कम आता है, तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो थायराइड हार्मोन की कमी से होती है, और स्पेशली बच्चों में इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थायराइड की दवा ना लेने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी प्रभावित होता है, बल्कि याददाश्त पर भी असर पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि मरीज इस दवा को रोजाना ना ले तो उसका ना सिर्फ वजन बढ़ता है बल्कि ये वजन घटाया भी नहीं जा सकता। वजन बनाए रखने के लिए फाइबर और कम वसा वाले आहार ले, कुछ न कुछ शारीरिक गतिविधि करते रहे, तनाव से रहे दूर, क्योंकि तनाव से थायराइड विकारों को बढ़ने का मौका मिलता है। कृषि दर्शन है आपके साथ, खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। दोस्तों, रोग है तो उससे बचने के उपाय भी हैं, बस ज़रूरत है सही समय पर सही राह चुनने की। तो आइए चलते हैं उस ओर जहां है योग, जो रखता है हमें निरोग। नमस्कार। योग साधना एक अनूठी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखती है, और जब तक ये शरीर है हम हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं। आजकल एक थायराइड ग्लैंड की समस्या बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है। थायराइड ग्लैंड के रोग में योग का अभ्यास बहुत ही फायदेमंद होता है। जी हाँ, थायराइड ग्लैंड जो गले में एक छोटी सी ग्रंथि है, इसका स्राव जब ज़्यादा बढ़ता है तो समस्या, कम होने लगता है तो समस्या, ज़्यादा होता है तो शरीर पतला होने लगता है, और यदि कम हो जाए तो शरीर मोटा होने लगता है। तो थायराइड ग्लैंड की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए आइए सीखते हैं योग के अभ्यास। सबसे पहला अभ्यास है सेतु बंधासन। इसके लिए हम लेट जाते हैं कमर के बल। अब एक एक करके अपने पैरों को मोड़ लीजिए, पैरों को अपने पास ले आए और हाथों से पैरों के टखनों को पकड़ लें। यदि आप हाथों से पैरों के टखनों को ना पकड़ पाए तो हाथों को जमीन पर साइड में रख लेना। अब सांस भरते हैं, सांस भरने के बाद पूरा श्वास निकाल दें। जब पूरा श्वास निकालें तो अपनी कमर को उठाएं ऊपर की तरफ। सांस भरा, सांस निकाल दिया, और कमर को उठाएं ऊपर, जितना उठा सके उठा लें। यहाँ पर गला दबने लगेगा, जब गला दबेगा तो इसका सीधा प्रभाव हमारी थायराइड ग्लैंड पर पड़ेगा और वो स्वस्थ होने लगेगी। जितनी कमर उठ जाए अच्छी है, ये थायराइड के लिए तो अच्छा है ही, साथ साथ कमर दर्द रहता हो तो भी लाभ देगा, घुटने के लिए भी लाभकारी है, और पाचन तंत्र, फेफड़े और हृदय में भी यह अभ्यास लाभ पहुंचाता है। यहां रोकें और फिर आहिस्ता से वापस आ जाओ। पैरों को सीधा कर लें और आराम से लेट जाओ। यह अभ्यास 4-5 दोहरा लें। तो किसान भाइयों, अगला आसन हम सीख रहे हैं, इसका नाम है काग आसन। उल्टा लेट के इसके लिए दोनों हाथों कंधों के नीचे रखा, पैरों को पीछे मिलाया, सांस भरकर आगे से उठाएंगे, सिर को पीछे ले गए, गले पर पूरा खिंचाव पड़ने लगा। इससे पहले जो आसन किया था उसमें गले पर दबाव था, अब खिंचाव है। अब गर्दन को साइड में घुमाएं, कंधे के ऊपर से देखें पैरों की तरफ, फिर दूसरी ओर से घुमाकर देखें पैरों की तरफ, बीच में आए, सिर को ऊपर की तरफ ले जाएं, गले पर पूरा खिंचाव पड़ रहा है, यहां रोके और फिर आहिस्ता से वापस आ जाए। इस आसन को 3-4 दोहरा ले। ये आसन गले पर खिंचाव डालकर हमारी थायराइड ग्लैंड को बल देता है, उसके स्राव को बैलेंस करता है, साथ ही साथ ये कमर को लचीलापन,
प्रदान करता है जिससे शरीर में हल्कापन बना रहता है। इसके अलावा फेफड़ों की शक्ति भी इस आसन से बढ़ जाती है। जिनको डबल चिन की शिकायत है उनके लिए भी आसन बड़े फायदेमंद होता है। तो थायराइड ग्रंथि के रोगों में ये अभ्यास बहुत ही ज्यादा लाभकारी होंगे। बस जरूरत है रोज इन अभ्यासों को करते रहने की। शुरू में जो आप गोली खा रहे हैं इसके लिए उसको नहीं छोड़ें, अभ्यास करते रहें। आप पाएंगे धीरे 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 गोली की मात्रा कम होने लगेगी और एक समय ऐसा आएगा दवाई छूट जाएगी और आपका अभ्यास बस आपके साथ बना रहेगा। तो दोस्तों, आज हमने बात की थायराइड की और इस बीमारी में दवा न लेने वालों की। अब जरा सोचिए, अगर आप शारीरिक रूप से थकान महसूस करेंगे तो बुखार भी रहेगा ना। तो इन परेशानियों से बचने के लिए शुरू कीजिए ना नियमित रूप से दवा लेना और योग करना। इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अब चलती हूँ। मिलूंगी अगले हफ्ते और पूछूंगी आपसे, कैसे हैं आप? नमस्कार।